कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। S3 एलिमेंट को कंटेनर फ्लूड के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। देखो क्लोज, इसको थोड़ा सेट कर दिया अंदर को, ठीक है, इंडेंट कर दिया अंग्रेजी में। सेव सेव करेंगे, चेक करेंगे, रिफ्रेश। ओके, तो ये रहा, कोई कुछ नहीं हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता है बस, ठीक है। अगर मान लो आपका किसी तरह से रिस्पॉन्सिव नहीं है तो कंटेनर फ्लूड काम आता है। CONTINER फ्लूड, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, इसके अंदर, इस डिव के अंदर एक और डिव बनाएंगे जिसकी क्लास होगी रो, रो आई गेस। हाँ, इस रो को कर देते हैं क्लोज। मेन चीज़ तो यही है, ठीक है। बूटस्ट्रैप में सीखने लायक चीज़ तो यही है कि रो बनाई और डिव बना के क्लास कॉलम बनाए। तो एक और डिव, कॉलम XS6 जैसे दो बना देते हैं, और दोनों को मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, यही रख रहा हूँ, ठीक है। सेव करके दिखा देता हूँ, कुछ दिखेगा नहीं आपको नया, क्योंकि मैंने डिप के अंदर कुछ करा ही नहीं ऐसा काम, ठीक है। गेम लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है और थोड़ा कलर वलर चेंज हो गया, आई गेस नेट की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। तो मेरा नेट यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। तो जो अब राइटिंग लिखी हुई है वो मोनो स्पेस है, ठीक है। अब जैसे ही नेट चलेगा। Thank you.